अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एसटीए 304 का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर, इन 4 टॉपिक्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को टेस्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किए जाते हैं हम वो इसमें स्टडी करेंगे। फ्रॉम अ थ्योरेटिकली व्यू पॉइंट अ गुड इंडेक्स नंबर फार्मूला इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट प्रपोज बाय आर ए फिशर 1867 से 1947। ये जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं ना, इन्हें भी माइंड में रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। इनके जो 3 मेथड्स हैं वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास 3 इनके टेस्ट हैं। सबसे पहले आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। उसने कहा टाइम रिवर्सल टेस्ट मे बी स्टेटेड एज फॉलोज, इधर टाइम सब्सक्रिप्ट 0 एंड एन आर इंटरचेंज इन अ प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फार्मूला वेयर एवर दे अपेयर। मैं आपको एज अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ, आपको समझना ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें जस्ट आपने क्या करना है कि टाइम है और 0 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को और एन जो है वो करंट ईयर को। हमने इनको इंटरचेंज कर देना है क्योंकि ये हमारे पास टाइम है। ठीक है, करंट ईयर या बी एस ईयर, ये हमारे पास टाइम को शो कर रहे हैं ना, तो हमने इनको जो है एन को 0 में चेंज कर देना है, 0 को एन में चेंज कर देना है। ठीक है, देन द रिजल्टिंग प्राइस फार्मूला शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल इंडेक्स फार्मूला इग्नोरिंग द फैक्टर 100 सिंपोलिकली द टेस्ट रिक्वायर्स दैट। देखिए ज़रा, ये हमारे पास पी ओ एन इज इक्वल टू 1/PNO। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ गया। यही बात उसने ऊपर की है ना, इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब हमारे पास हम इसको पी ओ एन ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 1 के ही, तो इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। फाइंड द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन, लेट अस कंसीडर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड सी वेदर दे डू नॉट सेटिस्फाई दिस टेस्ट। ठीक है, हम कुछ फार्मूलाज इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये टेस्ट उस पर जो है सेटिस्फाई होता है या नहीं। सबसे पहले हमारे पास है लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स। हमने लेस पेयर्स पर ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अगेन टाइम रिवर्सल टेस्ट का जो है बता दूं एज अ एग्जांपल। ठीक है, ये आपके जो है एज अ एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आप देखिए ज़रा। फॉर एग्जांपल आपके पास है पी नोट क्यू वन। अभी मैंने बताया था ये हमारी चीज़ें जो है ये टाइम को शो कर रही हैं, ऐसे ही है ना। अब आप देख सकते हैं अगर हमारे पास इनको हमने इंटरचेंज करना है, यहाँ पे हमारे पास P आप N ले लें या 1 कह लें, सेम बात है। ठीक है, और Q नोट, देखिए सर अब इनके जो है टाइम में चेंजेस आ रही हैं, जस्ट आपने टाइम में चेंजेस करनी है। तो हमारे पास ये होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये सेम एज आ गई है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसमें फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। लेस पेयर्स प्राइस इंडेक्स एक्सप्रेस्ड इन रेशियो रेदर देन परसेंटेज फ्रॉम ओमिटिंग द फैक्टर 100 इज गिवन बाय। अब देखिए ज़रा, ये आपके सामने जो है वो फार्मूला है। लेस पेयर्स का फार्मूला है पी नोट एन इज इक्वल टू स्मिशन पी एन क्यू नोट ओवर स्मिशन पी नोट क्यू नोट। ठीक है, आपने इसमें अब इंटरचेंजिंग करनी है द टाइम सब्सक्रिप्ट में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो होते हैं बीस बेस ईयर या करंट ईयर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से इनमें चेंजेस कर देनी है। पी एन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इनकी जगह नोट आ गया, या आप इसको 0 कह लें, और ये क्यू नोट है यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे पी नोट है, यहाँ पे एन आ गया इसकी जगह, और यहाँ पे नोट 0 लगा लें या नोट कह लें तो उसकी जगह भी एन आ गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो इस तरह मल्टीप्लीकेशन ऐसा लिखना है। देखिए पी ओ एन मल्टीप्लाई बाय पी एन नोट, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशियस प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लेना है सेम एस उसकी। हमने जो है जो वैल्यूज करंट ईयर और बेस ईयर के हैं उनको चेंज कर देना है, करने के बाद देखेंगे कि वो 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, ये फार्मूला है। अब स्मिशन पी एन क्यू एन ओवर स्मिशन पी नोट क्यू एन, अब आप देख सकते हैं स्मिशन पी एन क्यू एन है, सॉरी स्मिशन पी नोट क्यू नोट आ जाएगा क्योंकि पी एन और क्यू एन है ना, इस वजह से यहाँ पे पी नोट क्यू एन है, इस वजह से यहाँ पे पी एन क्यू नोट आ जाएगा।
आप देख सकते हैं इसमें कोई कैंसर वगैरह नहीं हो रहा इस वजह से, क्योंकि कटिंग हो जाए, अगर कटिंग हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 के इक्वल है, यहाँ पे कोई भी कैंसर नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इससे नेक्स्ट हमारे पास मार्शल एजवर्ट का है। मार्शल एजवर्ट का भी सेम आपने फार्मूला ऐसे लेना है, और जो हमारे पास टाइम है उनको चेंज करते जाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं जो मार्शल एजवर्ट है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। या आपने ये वाली जो लाइन्स है ना, ये अच्छे से इसको रट्टा मार लेना है, सॉरी रट्टा नहीं मारना, ये आपके सामने है, जस्ट आपने माइंड में खुद के कॉन्सेप्ट बना लेना है कि कौन सी जो सेटिस्फाई कर रही है कौन सी नहीं कर रही, तो ये एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फिशर प्राइस इंडेक्स का। फिशर प्राइस इंडेक्स का भी सेम है, फार्मूला आपने राइट करना है और आपने उनको मल्टीप्लाई या कट करके देख लेना कि हो रहा है और वो 1 के इक्वल आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो सेटिस्फाई है। आई होप आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को स्टडी करने से पहले मैं आपको जिस तरह टाइम रिवर्सल की एग्जांपल दी थी, इस तरह फैक्टर रिवर्सल की एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए ज़रा, हमारे पास है पी नोट, ये मैं ऐसा एग्जांपल ले रही हूँ, ये आपको कोई फार्मूला या कुछ इस तरह नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, पी नोट क्यू एन मैंने लिया है। अगर हमारे पास इसका कहें कि आपने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो देखना है, ठीक है, या आप समझ रहे हैं कि ये फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है प्राइस और क्वांटिटी, इन चीज़ों को इनको हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर है। अगर ये हमारे पास ये चेंज हो जाए पी को क्यू में और क्यू पी में, ठीक है, हम इसे कहेंगे ये हमारे पास फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है। अब आप देख सकते हैं इनके जस्ट जो है ये फैक्टर्स चेंज मैंने किए हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास टाइम है इन पे कोई असर नहीं पड़ा, ये सेम ऐसा आ गई है, ऐसे ही है ना, ये आप देख सकते हैं ये भी सेम है, ये एन भी सेम है, तो इसे हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहेंगे। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में भी स्टेटेड एज फॉलोज, इफ द फैक्टर बी प्राइसेस एंड क्यू क्वांटिटीज अकरिंग इन अ प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स फार्मूला बी इंटरचेंज और रिवर्स सो दैट द क्वांटिटी और प्राइस इंडेक्स फार्मूला इज ऑब्टेंड, देन द प्रोडक्ट ऑफ द टू इंडेक्स नंबर शुड बी इक्वल द वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, वह आपने वैल्यू इंडेक्स का ये डेफिनेशन याद करनी है। अदरवाइज द फैक्टर रिवर्स टेस्ट रिक्वायर्स डैट, ये देखिए प्राइस इंडेक्स है, अगर हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू इंडेक्स आ जाएगा। फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, श्योर क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वैल्यू इंडेक्स की आपको आनी चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन लेट अस कंसीडर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड सी वेदर दे आर डू नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट। सेम है जिस तरह हमने टाइम रिवर्सल टेस्ट को देखा है अप्लाई करके सब फार्मूलाज पर, ऐसे ही हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को अप्लाई करके देखेंगे। इंटरचेंजिंग द फैक्टर पी एंड क्यू इन द फार्मूला, हमने फार्मूला देखते हैं उसमें जो है ये हमारे पास लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स का फार्मूला है और इसको हमने देखते हैं कि इस पर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होता है या नहीं। समीशन पी एन क्यू नोट और समीशन पी नोट क्यू एन नोट, आप देख सकते हैं समीशन क्यू एन पी नोट आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स में चेंजेस आए हैं, अभी मैंने आपको बताया है पी है तो वहाँ पे क्यू आ गया है, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे पी आ गया है, इस तरह समीशन पी नोट क्यू नोट था तो हमारे पास ये ऑपोजिट आ रहा है क्यू नोट पी नोट आ जाएगा। अब हमने सेम एज इसको मल्टीप्लाई करके देखना है इनका प्रोडक्ट आता है, उसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज समीशन पी एन क्यू नोट ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय समीशन पी क्यू एन पी नोट ओवर समीशन क्यू नोट पी नोट विच इज़ नॉट इक्वल टू। आपने बात माइंड में रखनी है, अगर हम उनका प्रोडक्ट लें कोई भी फैक्टर्स का हम अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास वो समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट के इक्वल आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, तब हम कहेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने ये भी माइंड में रखना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तब जो हमें सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगेन इंटरचेंजिंग द फैक्टर पी एंड क्यू द फार्मूला, आपने इसको अगेन चेंज करना है, ये पेशियस का आ जाएगा, सेम ऐसा आपने पेशियस का निकालना है, पेशियस भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, मार्शल एजवर्ट का फार्मूला लेना है, उसकी भी आपने ऐसी मल्टीप्लीकेशन करनी है, उसको इंटरचेंज करने के बाद मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तो ये भी इसके इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि आपने इनकी कटिंग वगैरह करके देखनी है लेकिन ये इक्वल नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं
कि प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, ठीक है, फैक्टर रिवर्स टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाई, मार्शल एजवर्थ में भी। लेकिन जो हमारे पास फिशर प्राइस इंडेक्स है इसमें देख लेते हैं, इसमें ये सेटिस्फाई होगा। बाय डेफिनेशन फिशर प्राइस इंडेक्स इज गिवन बाय, ये आप तब जो है अच्छे से कर सकते हैं अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से आते हो, ठीक है। इसलिए बार बार कह रही हूँ आपने फार्मूलाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी यही फार्मूलाज यूज़ किए जा रहे हैं और इससे रिलेटेड हम जो है स्टडी लेक्चर्स में कर रहे हैं। फिशर क्वांटिटी इंडेक्स इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द फैक्टर पी एंड क्यू एस, तो सेम ऐप एज आपने फार्मूला लेना है, उसका फैक्टर रिवर्सल किस तरह चेंज करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका इक्वल आ जाएगा समीशन पी एंड क्यू एन ओवर समीशन पी नोट क्यू नोट। ये बचे इसमें जो है वो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं देयर फॉर प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, दस द फैक्टर रिवर्स टेस्ट इज सेटिस्फाई। इसमें हमारे पास जो फीचर आइडियल इंडेक्स है ना उसमें फैक्टर रिवर्स टेस्ट सेटिस्फाई है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर टेस्ट आ जाता है। सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम रिवर्सल टेस्ट विच इज़ एप्लीकेबल फॉर टू ईयर्स। ये भी अपने माइंड में रख लें कि ये टू ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्विज। द गिवन ईयर एंड द बेस ईयर, बट इन सर्कुलर टेस्ट थ्री और मोर ईयर्स आर टेकन इन टू अकाउंट, दिस टेस्ट मे बी स्टेटेड। तो इसका जो टेस्ट का फार्मूला है वो भी हम देख लेते हैं। इफ़ पी ए बी इज़ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर बी विद द ईयर एज बेस, आपने ए को जो है ना वो करंट ईयर को लेना है और बी को बेस लेना है, इसी तरह पी बी सी को लेना है और पी सी ए को, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी सा है। आपने उसको अब सर्कुलर टेस्ट जो है हमारे पास रिक्वायर होगा वो पी ए बी मल्टीप्लाई पी बी सी मल्टीप्लाई पी सी ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। उसने कहा दिस टेस्ट इज नॉट ओबे बाय एनी ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर्स अनलेस द वेट्स आर कॉन्स्टेंट। फॉर द पर्पज ऑफ इलस्ट्रेशन वी कंसिडर द वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर विद फिक्सड वेट्स से क्यू नोट, लेट देयर बी थ्री ईयर्स नोटेड बाय ए बी एंड सी, ठीक है, ये थ्री ईयर्स हैं हमारे पास। दैन द वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स, इस तरह हमारे पास जो है वो लेस पेयर्स ले लें या पेशियस जो भी ले लें, तो यहाँ पे पी ए बी इसके लिहाज से हमने जो है ये उसमें पुट करते जाना, जिस तरह ये पी बी क्यू नोट लिखा हुआ है समीशन पी ए क्यू नोट, सेम है सारे इसे इस लिहाज से करने हैं। उसके बाद उसने कहा मल्टीप्लाइंग देम टू गैदर वी गेट, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ये वन के इक्वल आ जाएगा, जो कि शो करते हैं सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, उसको देख लेते हैं। शो डैट शो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा दैट द फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट आर सेटिस्फाइड बाई फिशर आइडल फार्मूला फॉर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमारे पास ये हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन सेम एज दिया जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कमोडिटीज़ है हमारे पास ई तक दी गई हैं, बेस ईयर में प्राइस और क्वान्टिटी ये वाली दी गई इनके प्राइसेस, करंट ईयर में इनकी प्राइस और क्वान्टिटीज़ ये दी गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन, हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर आइडियल फार्मूला से, ठीक है, अपने माइंड में रखना है हमने इसको, क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिशर आइडियल फार्मूला हमने लगाना है, उसका हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट दोनों फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा बेस्ट समझ जाएगी। ये हमारे पास प्राइसेस क्वांटिटीज़ ये दी गई हैं, जस्ट हमने फीचर आइडियल फार्मूला के मुताबिक इनको लेना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। जिस तरह पी नोट क्यू नोट लिया है तो पी नोट हमारे पास 6 है और क्यू नोट 50 है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 आ गया। इस तरह पी वन और क्यू नोट है, पी वन हमारे पास 10 है और क्यू नोट 50 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 500 आ गया। सेम एज इसको जो है इस तरह सॉल्व करना है, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाए थे, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है और इनको सम अप करना है और टोटल इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, ये इनकी टोटल लिखी हुई हैं, आपने इन वैल्यूज़ को टोटल को फार्मूला में पुट करना है। ये आपके पास फीचर आइडिया का फार्मूला है, ठीक है, फॉर करेंट ईयर ओमिटिंग द फैक्टर 100 फैक्टर को आपने इग्नोर करना है, ओके, और फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब हमने यहाँ पे जो है देखते हैं, उन्होंने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अप्लाई किया हुआ है एंड फिशर क्वांटिटी इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर ओमिटिंग द फैक्टर 100 इज गिवन बाय पी क्यू वन पी नोट, ठीक है, क्यू नोट पी नोट, ये इन्होंने जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करने से समीशन पी वन क्यू वन और समीशन पी नोट क्यू नोट के इक्वल आई है, ठीक है, क्योंकि 880 ओवर
1440 है, तो ये हमारे पास आती है, और ये हमारे पास जो है वो P1 Q1 की वैल्यू है, और ये P0 Q0 की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस वी सी द फिशर आइडियल फार्मूला फॉर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अगेन इंटरचेंजिंग द टाइम सब्सक्रिप्ट इन फिशर प्राइस इंडेक्स। अब आपने टाइम इनको चेंज करना है, टाइम का मैंने टाइम रिवर्सल टेस्ट का भी अच्छे से आपको समझाया है कि जो करंट ईयर और बेस ईयर है इनकी जो है वो चेंज करते जाना है, जो कि हमारे पास वन के इक्वल आएगा, और वन के इक्वल जो आया है तो हमारे पास इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम CPI से भी डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है, इसका ये एब्रीवेशन है, एज एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट है। इज डिज़ाइन टू मेजर द चेंजेस इन द कंपोजिट प्राइस ऑफ अ स्पेसिफिक बास्केट स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एज कम्पेयर विद द बेस पीरियड। द क्वान्टिटीज कंज्यूम ऑन द एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडेड ऑन वेरियस ग्रुप्स आर यूज एज वेट्स फॉर द एवरेज रिटेल प्राइस प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी कंसर्न ड्यूरिंग द बेस एंड गिवन पीरियड। अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड द हाउस होल्ड बजट प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है क्विज के लिए, ठीक है, इसको हम हाउस होल्ड बजट भी कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और आपने इसको जो है अच्छे से याद करना है, यहाँ से मैक्सिमम एमसीक्यूज वो जो है घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसमें देख लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कंस्ट्रक्शंस में कौन कौन से आते हैं, स्कोप हाउस होल्ड बजट इंक्वायरी एंड एलोकेशन ऑफ वेट्स प्राइस डेटा कंपटेशन ऑफ इंडेक्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड बजट मेथड। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड देख लेते हैं, इसमें क्या है, द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड इन द बेस ईयर आर टेकन एज द वेट्स, द क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स दी क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स दी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अक्वायर्ड ऑन वेरियस आइटम्स इन द बेस ईयर। यहाँ पे क्वांटिटी जो है स्किप है, थोड़ी मिस है, तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा पी नोट क्यू नोट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अक्वायर्ड ऑन द वेरियस आइटम्स इन द बेस ईयर। द क्वांटिटी यहाँ पे हमारे पास है पी एन क्यू नोट रिप्रेजेंट द गिवन ईयर विद बेस ईयर क्वांटिटीज। द लेस पेयर फार्मूलाज देख लेते हैं, पी एन स्मिशन पी एन क्यू नोट ओवर स्मिशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पी एन क्यू नोट यहाँ पे आ जाएगा और पी नोट क्यू नोट यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, द गिवन एयर क्वांटिटीज आर नोट यूज एज वेट बिकॉज द दे चेंज फ्रॉम एयर टू एयर। उन्होंने यहाँ पे बात यहाँ ये की है कि जो हमारे पास गिवन एयर क्वांटिटी है हम उसको एज अ वेट नहीं ले सकते, क्योंकि क्वांटिटी की जो हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो है ना प्राइसेस वो एयर टू एयर चेंज होती रहती हैं। इट इन्वॉल्व्स द एक्सपेंस लेबर एंड टाइम वुड बी नीडेड एवरी ईयर। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस होल्ड बजट मैथड। द मैथड इज कॉल्ड द हाउस होल्ड बजट मैथड बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द हाउस होल्ड कंसर्न आर ऑब्टेन फ्रॉम द हाउस होल्ड कंसप्शन सर्वे। ठीक है, इसमें पहले मनी इन्वेस्ट की जाती है। दिस मैथड इज आल्सो नोन एज द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। इसका नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला डिस्कस किया गया है, इसमें भी थोड़ी सी जो है वो स्किप है, आप देख सकते हैं PON इज इक्वल टू स्मिशन W इंटू पी एन ओवर पी नोट ओवर स्मिशन W मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू। अब हमारे पास जो स्मिशन W होते हैं वो इक्वल होते हैं पी नोट क्यू नोट के, और I जो है वो इक्वल होते हैं पी एन ओवर पी नोट के। ठीक है, अब स्मिशन W मल्टीप्लाई बाय I ओवर स्मिशन W, ये इसकी थोड़ी शॉर्ट फॉर्म करके राइट कर दी है, तो ये भी MCQs में आ सकते हैं कि W किसको रिप्रेजेंट करते हैं और I किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपने ये माइंड में रखने हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व करते हैं। कंप्यूट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1940 ऑन द बेसिस ऑफ 1939। अब आपने माइंड में रखना है कि 1939 जो है वो बेसिस है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग इस डाटा में। ठीक है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है और हाउस होल्ड बजट मेथड, हमने इनके फार्मूलाज पुट करने हैं। 1939 एज अ बेस लिया गया है, ये हमारे पास जो है वो डाटा गिवन है, ये आप देख सकते हैं, आपको इस तरह ही पेपर में डाटा दिया जाएगा। अब हमने इसका जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड आउट करना है, वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है 1939 है, ये हमारे पास क्वांटिटी है, क्यू नोट किया जाएगी, इस तरह ये पी नोट आएगा क्योंकि ये एज अ बेस ईयर है, और यहाँ पर प्राइस हमारे पास पी एन आएगी। सबसे पहले हमने पी नोट क्यू नोट फाइंड आउट करना है, पी नोट क्यू नोट फाइंड आउट करने के लिए 1939 हमारे पास पी नोट है, 5.75 को 6 से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने पी एन क्यू नोट से मल्टीप्लाई करना है, पी एन यहाँ पे हमारे पास 6 है, क्यू नोट हमारे पास भी 6 है। ठीक है, 6 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा,
तो यहाँ पे उन्होंने राइट नहीं किया हुआ, तो आप राइट कर लीजिएगा। पी नोट क्यू नोट है, यहाँ पे आएगा पी एन क्यू नोट। इस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन होंगी, उसके बाद इनको सम अप करना है, फार्मूला लगाना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का, जो कि हमारे पास लेस पेयर्स में है। फार्मूला लगाने के बाद आपने वैल्यूज जस्ट पुट करनी है और 118.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाउस होल्ड बजट है सेम एज आपने फार्मूला पुट करना है। सबसे पहले वैल्यूज़ निकालनी है, W की निकालेंगे, I की निकालेंगे। W और I मैंने आपको अभी बताया किसके इक्वल होते हैं। निकालने के बाद आपने उनको सम अप करना है और इनकी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करके आंसर आ जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर को देख लेते हैं। ये बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि सम टाइम प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है मार्केट में ज़्यादा होती है और कंज्यूमर उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, और कुछ जो है उसको कम। सम टाइम इस तरह होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। द डिग्री टू विच द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफेक्ट्स द कंज्यूमर्स परचेजिंग बिहेवियर। द डिग्री ऑफ प्राइस हैज़ टू वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें इसने ये बात की है कि प्रोडक्ट की जो है कंज्यूमर से कंज्यूमर के लिहाज से जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यूज होती हैं। लाइक अगर कोई कंज्यूमर ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकता तो वही प्रोडक्ट जो है वो किसी और कंपनी की लोकल कंपनी की परचेज करेगा, उसको कम प्राइस में मिल जाएगी। इस वजह से उसने कहा है द डिग्री ऑफ प्राइस सेंसिटिव वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इन इकोनॉमिक्स प्राइस सेंसिटिव इज कॉमनली मेजर यूजिंग द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेक्चर होता है एंड। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सेपरेट उसकी वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी। जस्ट इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जो है इसका मल्टीप्लिकेशन ये वो इसका नहीं बताती, सिंपली आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ कि किस तरह करना है। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।